द फक ये क्या था? आज हम जा रहे हैं अपनी जेड एक्सटर्न पे पीपीएफ कराने। बाहर वाला बाथरूम तक तोड़ दिया भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? यार आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और बहुत ही दिनों बाद हम दोबारा से मिल रहे हैं। मैंने दो व्लॉग डाले थे, मोटो व्लॉग, और उसके बाद से मेरा पता ही नहीं था मैं कहां हूं। तो ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ कि मैं कहाँ था और मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा था और मैं कहाँ बिजी था, मैं इंस्टाग्राम पे इतना बिजी क्यों हूँ और यूट्यूब पे मैं क्यों कुछ नहीं डाल रहा हूँ। तो देखो, उस चीज के लिए ना मैं आपको सब बताने वाला हूँ इस वाले व्लॉग में। और आज इस वाले व्लॉग में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें भी होने वाली है। जैसा कि आज हम जा रहे हैं अपने जेड एक्सटर्न पे पीपीएफ कराने। अब देखते हैं होती नहीं होती। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में कि मैं इतना ज्यादा अनएक्टिव क्यों हूँ। अब आप लोगों को मैं ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहा हूँ वो इसीलिए क्योंकि मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। और हाँ, पूरा सोया नहीं हूँ तो ठीक है, मन में आगे व्लॉग बनाने की। और मैं आप लोगों को बताना भी चाहता था कि मैं अनएक्टिव क्यों हूँ चैनल पे और आगे भी थोड़ा बहुत अनएक्टिव रहूंगा, थोड़ा बहुत ठीक है डालूंगा मैं व्लॉग। इस व्लॉग में मैं सब क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है? तो भाई एंड तक देखना व्लॉग, आपको सब पता चलेगा कि भाई मैं इतना अनएक्टिव क्यों हो गया अपने चैनल पे। और फिलहाल अभी आप लोग देख सकते हो मैं हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जिसको हमने स्टूडियो बनाया था। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप हमारे व्लॉग देखते हो गए तो, और जिनको नहीं पता है तो भाई ये हमारा स्टूडियो हुआ करता था। बाकी सारा सेटअप वापिस आ चुका है यहाँ पे। मैं यहाँ इस स्टूडियो में इसीलिए हूँ क्योंकि हमारे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, सबसे नीचे वाला जो आप लोग स्टार्टिंग से देखते आए हो उस फ्लोर पे काम चालू हो चुका है। और भाई वो बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है, अब वो पता चलेगा इन फ्यूचर। फिलहाल आधा काम हो चुका है, आधा मतलब टूट फूट हो चुकी है, पोर्सलिंग का काम चालू हो चुका है। तो अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अनएक्टिव में इसीलिए हुआ था क्योंकि मेरे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे काम चालू हो गया था और व्लॉग बनाने का थोड़ा सा बिल्कुल मन कर ही नहीं था, कहाँ से स्टार्ट करूँ क्या स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी रियलिटी दिखाई जाए। तो रियलिटी इज हेयर, मतलब ठीक है यार मैं लड़का हूँ तो लड़कों का रूम ऐसे ही होता है, फैला फैला यू नो। तो अभी हमारे व्लॉग इधर से स्टार्ट होंगे कम से कम 2-3 महीने तो। और हमने बैकपैक भी कर लिया है फिलहाल, परफ्यूम थोड़ा सा मार लिया जाए। हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव इसलिए हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी रीच बनी हुई थी और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने में ज्यादा मेहनत लगती नहीं है, ठीक है? वहाँ पे ऐसे व्लॉग नहीं बनाना पड़ता और एडिट नहीं करनी पड़ती, 2 मिनट में एडिट हो जाती है, 15 सेकंड की वीडियो होती है तो इजिली बन जाती है। वही चीज मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। लेकिन व्लॉग में सबसे बड़ी मेहनत की चीज है एडिट करना, और वो भाई एडिट मुझसे नहीं होता, 4-5 घंटे लग जाते हैं एडिट करने में। ऐसा नहीं मेरे को एडिट करना नहीं आता, मैं एडिट करता था लेकिन अब शेड्यूल इतना बिजी हो चुका है, हाथ भी दर्द हो गया यार, शेड्यूल इतना बिजी हो चुका है कि एडिट नहीं होता है। तो इसलिए मैं एडिटर ढूंढ रहा हूँ लेकिन एडिटर मेरे को मिल नहीं रहा है। अभी फिलहाल जल्दी से रेडी होते हैं और हम आपको फ्लोर दिखाएंगे नीचे वाला, फिर निकलेंगे हम अपनी बाइक पे पीपीएफ कराने। राइडर के हिसाब से जो लिया जाता है वो सब मेरे पास है। अभी हेलमेट भी हो गया है और ये सीट भी हो गई है क्योंकि वो वाली सीट निकालनी पड़ेगी, पीछे तो कोई बैठना है ही नहीं और पीछे तो बस एक इंसान बैठेगा 3 महीने बाद। या आप लोग सही समझ रहे हो, तब ये सीट निकाल के वाली सीट लगा लेंगे। फिलहाल ये है गोप्रो, गोप्रो भी रेडी है और ये पर्स हमारा चलता फिरता बैंक हमारे साथ, ये चाबी और बैटरी। गोप्रो की बहुत ज्यादा जरूरत क्योंकि बहुत ज्यादा बैटरी जाती है, ऊपर से आज तो बहुत ही ज्यादा धूप है तो बैटरी हमको रखनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग भाई ग्लव्स, तुम्हारे बहन ने ग्लव्स मंगाए, 6-7 हजार रुपए वाले ग्लव्स हैं ये, पता नहीं कौन से हैं बट हाँ काफी अच्छे हैं, फुल लेदर और बढ़िया हैं, कंफर्टेबल भी हैं और हवा भी अंदर आती रहती है। पहले दूसरे थे मेरे पास लेकिन वो मैंने चेंज कर दिए क्योंकि उसमें थोड़ा अंदर ना वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं था, उसमें हवा नहीं आती थी तो अंदर पसीना रहता था ना, उससे स्मेल बन जाती थी, लेकिन इसमें स्मेल नहीं बनती। सबसे बढ़िया चीज इसमें यही है, मान लो किसी गाड़ी वाले ने कुछ छेड़ दिया मेरे को है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गाड़ी वाले का शीशा फोड़ सकता हूँ इससे, जिससे कि मेरा हाथ भी डैमेज नहीं होगा और उसका ग्लास भी साइड मेरा टूट जाएगा अगर किसी ने छेड़खानी करी तो। बाकी ये तो मैं वैसे भी भिड़ता नहीं हूँ इससे, लेकिन ठीक है अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती है, हमें लगता है कि भाई अब जरूरत है इसका शीशा फोड़ने की तो हम फोड़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम निकलते हैं, आपको नीचे का फ्लोर दिखाते हैं। तो गाइस आपने ये वाला फ्लोर तो देख ही रखा है, फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, ठीक है? आप लोग देख सकते हो पहले यहाँ पे गेट था इस तरफ, ठीक है, इस वाली वॉल पे मेरे हाथ भरे हुए हैं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हाथ करके, मतलब ये वाली वॉल भरी हुई थी, ठीक है? पहले यहाँ पे गेट था, अब गेट इस साइड हो गया है, यहाँ वाला निकल के इधर लग गया, ठीक है? और ये अपनी बैठक एज इट इज वैसी है, ठीक है? जहाँ जहाँ आपको ये दिख रही होगी ना चेन्नई, इसका मतलब वहां से कुछ चेंजेस हुआ है। अब देखो अब चलते अंदर और देखो भाई यहाँ पे बनेगी किचन, ठीक है? और ये अपना हॉल आप लोगों को बताइए, देखा होगा आपने। और फिलहाल अभी बेडरूम की हो रही है फोर्सलिंग और ये है गेमिंग रूम, बाहर वाला बाथरूम तक तोड़ दिया भाई। भाई बहुत तगड़ी धूप पड़ रही है, फिलहाल अभी छांव हो गई है, थोड़े बादल आ गए हैं भाई, इतनी तगड़ी धूप पड़ रही है ना और गर्मी, मैं ऊपर से नीचे ही आया हूँ, पसीना आना स्टार्ट हो गया। फिलहाल जल्दी से निकलते हैं और आप लोग गोप्रो एंजॉय करो। भाई मैंने धो के खड़ी करी थी लेकिन ये बाहर खड़ी खड़ी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, कोल्ड स्टार्ट मैंने कर दी है। ये पहले लगाते हैं सेफ्टी,
चलो अब निकलते हैं। साउंड देखो इसके अभी भी लाउड है। और अपनी पोर्शे भाई क्या हो गया इसको, कोल्ड स्टार्ट करने के बाद भी आरपीएम कम नहीं हो रहा। ओ भाई यार धूप देखना कितनी हार्ड है भाई। इसके बारे में तो आपको बताना भूल ही गया, ये भी अपना ही प्लॉट है और ये बन चुका है। एक दो महीने में, तीन चार महीने में कितने चेंजेस आ गए, थोड़ा सा अनएक्टिव क्या हुआ, बहुत सारी चीजें बदल गई। फिलहाल ये प्लॉट भी बन चुका है अपना, थोड़ा आधा रह गया है और अभी पापा काम करवा रहे इसमें। लेंटर आज ही खुला है वैसे इसका, सारी बल्ली कली उतर के गई है। पापा को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा, पर ठीक है चलो फिर निकलते हैं यार। बनाना शेक बना दो जल्दी, फिलहाल जूस पी के चलते हैं। और ये अपनी बाइक देखो भाई क्या मस्त लगती है भाई। लेकिन ठीक है यार ये चाहे पुरानी भी हो जाएगी ना ये तो भी मुझे मस्त ही लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा सपना था भाई इसको लेना। और वो वही है, अब जो सपना होता है ना तो वो चीज़ तुम्हारे लिए कभी ना पुरानी होती ना वो तुम कभी से बोर होते। भाई देखो गाड़ी में सब पीछे रिएक्शन दे रहे हैं। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम इसको लेके नंबर चढ़ने के बाद, तो आज मुझे लगता है काफ़ी इसमें चालान कटने वाले हैं। 4000 का चालान तो ऑलरेडी है इस पर जो कि मैंने नहीं भरा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैंने वो चालान कटा कहाँ है, कौन सी लोकेशन है और मैंने कब तेज चलाई। कोई फ़ोटो ही नहीं है मेरे पास कि मेरे को पता चले कि हाँ मैंने यहाँ पर तेज चलाई थी तो चालान कट गया। और 4000 चालान भाई, 4000 लिटरली। गाड़ी खड़ी है मेरे को लगता है एक्सीडेंट हुआ है कोई। अरे बहुत पुलिस है भाई, चेकिंग हो रही है। अरे व्हाट द फक, ये क्या था भाई, कोई आदमी मरा पड़ा है। इसकी भैंस क्या, मुझे लगा गाड़ी वगैरह चेक हो रही है भाई। वहाँ देखा आप लोगों ने,
यार मेरा तो जी खराब हो गया, ऊपर से हेलमेट के अंदर और हूँ। ठीक है गाइस, अब आप लोगों को मिलेंगे सीधा शॉप पे जहाँ पे हम इसको पीपीएफ करेंगे। और मैं बस निकल चुका हूँ करोलबाग के लिए, मेरे को खुद नहीं पता कि वो शॉप है कहाँ पे जहाँ पे पीपीएफ होगी, बस जाके पूछूंगा इधर उधर करोलबाग, तब जाके पता चलेगा। तो भाई अभी अपने को दो भाई मिले जिनके पास ZS 1000 है और एक BMW S1000 RR है। तो यार भैया ने भी अपने को बताया PPF कहाँ पे होगी, भैया बस ऐसे ही रैंडम मिल गए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तुषार है। तुषार है मेरा, यही है। अब आप जिस बंदे के पास जाओगे ना तरुण के पास, मेरा नाम तरुण है, आप पहले उसमें जाना। उसके फायदा क्या है कि आप यहाँ पे PPF कराओगे ना तो उसके बाद वो ब्लेड मारेंगे तो वो पेंट स्क्रैच करेगी, बट ऑब्वियसली बात है वो पेंट स्क्रैच करेगी। हाँ, समझ गया। मैं आपको भेज रहा हूँ ना, वो क्या करेगा, वो PPF आपकी प्री कट निकालेगा। समझ गया। इस पीस की ऑलरेडी कटिंग होके ही निकलेगा, आप बस अप्लाई करेगा। सारी गाड़ियाँ ओके ओके। तो यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा वो? मायापुरी जाना पड़ेगा आपको। सो चलो भाई, अभी जो भैया हैं वो ZS वाले, उनका शोरूम है तो भी पहले भैया के शोरूम में चलते हैं, उसके बाद चलेंगे PPF कराने। बाकी ठीक है यार, घूमने से भाई नए नए दोस्त मिल जाते हैं। जैसे मैं चल ही रहा था एकदम से पीछे से दोनों S1000 RR और ZS 1000 दोनों एक साथ ही आ गए और भैया ने हेल्प भी कर दी है। अब जो मैं PPF करा रहा हूँ वो मैं कहीं और से करा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, मैं ऐसी किसी से सड़क छाप से करा रहा था। बट ठीक है, अब अच्छी जगह जा रहा हूँ वहाँ से कराता हूँ, और कह रहे हैं कि वहाँ पे अच्छी होती है, एकदम क्वालिटी भी बढ़िया रहती है। What the fuck भाई, क्या साउंड आ रही है तीनों बाइकों की एक साथ। शायद ये है इनका शोरूम। करोलबाग सामने की तरफ पड़ता है, अंदर चलते हैं भाई के पास, देखते हैं क्या हिसाब है। तो गाइज़ अभी हम एक शॉप पे आए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी बढ़िया है भाई शॉप, जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई फुल एसी वगैरह चल रहा है और मैं शॉप पर हूँ। और मैं यहाँ पे पहुँच गया था 4 बजे, लेकिन अभी 6 बज रहे हैं, 2 घंटे मेरे को वेट करना पड़ा बिकॉज मेरे से पहले एक गाड़ी लगी हुई थी XUV पे, PPF हो रही थी। तो अब बाइक पे होगा, मेरे को रात के 11:30 बज सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल अभी 6:30 हो रहे हैं मे बी, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कब तक ये कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी अभी चलते हैं बाइक के पास। बाकी मैंने आपको बताया था कि मैं पूरा सोया नहीं हूँ, मैंने भाई यहाँ पे नींद भी ले ली है कम से कम 1 घंटे की, तो थोड़ी बहुत नींद भी पूरी है। बाकी अभी 4-5 घंटे और लगेंगे PPF होने में, तो थोड़ा सा नींद और ले लूँगा मैं, नींद भी पूरी हो जाएगी। सो गाइस, तुम्हारे भाई ने भाई 2 घंटे की नींद भी ले ली और अब आया हूँ मैं तो कम से कम 2 घंटे बाद। 6-7 बजे मैं शायद लास्ट ब्लॉग में आया था, ठीक है, और फिर अब मैं सीधा 9 बजे उठाऊँ। और अपनी PPF भी हो रही है, मतलब आधी हो गई है, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ये PPF हो चुकी है। ये देखो इसकी शाइनिंग अलग ही आ रही है, बाकी वैसे शाइनिंग अलग है, इसकी शाइनिंग देखो कितनी अलग है। तो भाई रात के 1:30 बज चुके हैं और शाम को 4 बजे आया था मैं, फाइनली भाई हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ये देखो भाई क्या चमक रही है, पहले इतनी नहीं चमक रही थी लेकिन अब जब से ये PPF हुई है और ज्यादा चमक रही है और काम हो चुका है। बहुत ज्यादा लेट हो गया मैं, पापा का फोन आ रहा था भाई कहाँ है तू, पापा को लगा भाई ये तो हो गया फरार आज, लेकिन ठीक है अब जा रहा हूँ घर, बता दिया है कि मैं यहीं पे हूँ और यहाँ से निकल रहे हैं। बढ़िया एकदम PPF लगाई है, कौन सी PPF है ये? ये पता नहीं कौन सी, जो व्हाटएवर जो भी है
बट ठीक है, अपना काम बढ़िया हुआ है। लेट्स सी, आज हम दिल्ली में हैं रात को, और पुलिस वुलिस मिलेगी तो ऐसी होगी वो अलग। बाकी ठीक है, मैंने कैमरा मेरा निकाल के रख दिया क्योंकि कैमरे से चिढ़ जाती है पुलिस।